माय चैनल 24 कैरेट किचन। तो चाय मसाला केक के लिए सबसे पहले हैं हम चाय है वो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 150 ml है वो मिल्क लिया है और 1 tbsp मैंने लॉन्ग ग्रेन वाली चाय पत्ती ली है। आप कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि ये फ्लेवर को इन्हेंस करती है। तो मैं पैन में दूध डाल देती हूँ। और चाय की पत्ती डाल देती हूँ। अब हमें इसको बॉईल आने पर 1-2 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है और फिर छान के ठंडा कर लेना है। तो चाय हमारी अच्छे से उबल चुकी है, हम इसको छान लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब हम बनाते हैं केक का बैटर। 1¼ कप लिया है हमने मैदा, 1/2 कप लिया है हमने बटर, आप ऑयल भी ले सकते हैं, और 3/4 कप लिया हमने शुगर। चाय जो अभी हमने तैयार की थी उसमें थोड़ी रिड्यूस हो गई है तो मैं आपको बता दूंगी, हमें लगभग 1/2 + 2 tbsp चाहिए होगी। 1/3 कप लिया है मैंने योगर्ट, जो कि थिक योगर्ट है। इसके अलावा हमें चाय के स्पाइसेज है वो चाहिएंगे। 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर है, 1/4 टीस्पून है वो दालचीनी का पाउडर है, 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, 1/8 टीस्पून मैंने लौंग का पाउडर लिया है, थोड़ी सी पिंच ऑफ काली मिर्च ली है, 1 tsp लिया बेकिंग पाउडर और 1/2 tsp लिया है बेकिंग सोडा। थोड़ा सा हमें चाहिए होगा वनीला एसेंस। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट है उनको सीव कर लेते हैं। तो मैं डाल देती हूँ मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। तो हमने सीव कर लिया है। अब मैंने यहाँ एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी बटर। बटर हमें रूम टेम्परेचर का ही लेना है और इसमें डालूंगी मैं शुगर। इसको करूंगी मैं अच्छे से मिक्स। आप ये प्रोसेस बीटर से भी कर सकते हैं। इसी में मैं डाल देती हूँ अपना योगर्ट और तीनों को कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। इसको हमें क्रीमी होने तक विस्क करना है। मिश्रण हमारा फ्लफी हो गया है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा मैदा और थोड़ी थोड़ी चाय है वो मिक्स करते हुए इसका एक बैटर बना लूंगी और साथ ही में मैं इसके सारे मसाले है वो ऐड कर देती हूँ।
तो केक का बैटर है हमारा बिल्कुल रेडी है। यह मैंने लोफ टीन है वो ले लिया है, अब इसमें मैं अपना बैटर है वो पोर कर देती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने ओटीजी को 170 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। यहाँ मैं वनीला एसेंस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसके जो मसाले हैं वो खुद ही इतने फ्लेवरफुल हैं, आप चाहो तो डाल भी सकते हो। फोर्टी मिनट के लिए मैं इसको बैक होने के लिए रख रही हूँ। ओटीजी या माइक्रोवेव जिसमें भी आपको बैक करना है 170 डिग्री पे 40 मिनट के लिए। केक हमारा बैक होके तैयार है, अब ठंडा होने पर हम इसकी ग्लेजिंग करेंगे। ठंडा होने के लिए मैं इसको कूलिंग रैक पे रख देती हूँ। कितना सॉफ्ट है देखिए आप, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो अभी गर्म है, मैं ठंडा होने पर इसकी करती हूँ ग्लेजिंग। शुगर ग्लेज तैयार करेंगे। शुगर ग्लेज है जिसके लिए मैंने यहाँ लिए 1 कप आइसिंग शुगर। तो आइसिंग शुगर को हम सीव करेंगे। 3 टेबल स्पून लिया है मैंने मिल्क, और थोड़ा सा चाहिए होगा हमें वनीला एसेंस। ये बेसिक शुगर ग्लेज है। अब हम पहले इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क है वो ऐड करेंगे, और विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क करेंगे। हम 1 चम्मच और ऐड करते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा वनीला एसेंस। इससे हल्का सा कलर है वो चेंज हो जाता है। अब यदि पतला करना है तो हम डालेंगे 3/3 टेबल स्पून, नहीं तो हम ऐसा ही इसको रखेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ग्लेज है, वो कितनी जल्दी है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सिनेमन पाउडर, जो कि ग्लेज को एक सिनेमन फ्लेवर देगा। हमें चाहिए होगा हमारे चाय मसाला केक पे ग्लेज करने के लिए। इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स, और केक भी हमारा ठंडा हो चुका है। मैं पोर कर रही हूँ ग्लेज इसके ऊपर। इसको डेकोरेट करूंगी मैं सिनेमन स्टिक से, थोड़े सी इलायची, लौंग, और हमारा चाय मसाला केक रेडी है।
तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मेरे को बताएं आपका केक कैसा बना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको ऐसी ही नई नई रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।